शहीद हुए आंदोलन में उन क्रांतिकारियों की याद में ये स्मारक स्थापना की जा रही। दोस्तों तो इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए भारत सरकार केंद्रीय मंत्री श्री भगवान सिंह कुलस्ते व मंडला जिला के विधायक प्रिय श्री देव सिंह सयाम जी का आगमन हो चुका है और इस कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। दोस्तों तो यही सब आज दिखाते वीडियो के माध्यम से। दोस्तों तो कंटिन्यू बने रहिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लेना चैनल। दोस्तों कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है तो इस कार्यक्रम को बैक करके दिखाते हैं पूरा वीडियो आपको। दोस्तों कंटिन्यू बने रहिए, पूरा वीडियो अवश्य देखिए। यहाँ नेता जी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा एवं पधारे हुए मुख्य अतिथि के रूप में मंडला जिला के सांसद श्री भगवान सिंह कुलस्ते व विधायक देव सिंह सयाम जी का आगमन हुआ है। इस कार्यक्रम का आनंद लेते हैं दोस्तों और देखते हैं क्या नया मंत्रिमंडल जो आए हुए मंत्री जी वो क्या और क्या सहयोग अपेक्षा रहेगी। धन्यवाद। अब मेरा निवेदन है समस्त
सम्मानीय अतिथियों से, सम्मानीय भगत सिंह जी कुलस्ते हमारे मुख्य अतिथि महोदय, सम्मानीय देव सिंह जी सैयाम विधायक महोदय और गुलाब माधव जी आए हैं और समस्त सम्मानीय अतिथिगण, आप सभी से मेरा निवेदन है आप सभी प्रस्थान करें। जो बाजार चौक में प्रतिमा है सुभाष चंद्र बोस की, उसके अलावा आपके कार्यक्रमों के द्वारा होना है, तो सभी से निवेदन है और मेरा निवेदन है कि जो चौक निर्मित किया गया उससे थोड़ा सा दूरी बना करके रखेंगे। हमारे सम्मानीय अतिथिगण वहाँ पर अंदर प्रवेश करके और उसका नामरण करेंगे, तो आप सभी से निवेदन है, आप सभी हमें सहयोग प्रदान करें व्यवस्था में, थोड़ी सी वहाँ पे अव्यवस्था ना बनाएंगे। सम्मानीय अतिथिगण अंदर जा करके और मूर्ति का अनावरण करेंगे। हम अनावरण करने जा रहे हैं सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा का, जिनके आप वहाँ पर व्यवस्था बनाए और मंत्री जी को अंदर प्रवेश कराए, माननीय विधायक को अंदर प्रवेश कराए और ये सुभाष चंद्र बोस अमर रहे। और इसी के साथ आदरणीय सुभाष चंद्र जी बोस स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नायक धर्मगढ़ के माने जाते थे, तो उनकी प्रतिमा का अनावरण माननीय मंत्री जी सज्जन सिंह जी कुलस्ते के कार्यक्रमों के द्वारा, माननीय विधायक महोदय देव सिंह जी सैयाम के कार्यक्रमों के द्वारा हमारे नगर में यहाँ पर संपन्न हुआ। आज पिंडरी नगर को ये अनुपम सौगात ग्राम पंचायत के प्रयासों से समर्पित होने जा रही है। ग्राम पंचायत पिंडरी का बहुत बहुत आभार पंच संदीप मरकाम और उप सरपंच जितेंद्र राजपूत, बहुत अथक प्रयास अभिनव सोच आपकी, जिसके कारण ये संपन्न हुआ, आज का ये लोकार्पण कार्यक्रम संभव हो पाया। और हमारे बीच उपस्थित हुए हैं जिला पंचायत अध्यक्ष श्री संजय गोस्वाम जी, आप भी पहुंचे फिर भी आप कार्यक्रम में आए, आपका बहुत हार्दिक अभिनंदन है। एक बार पुनः सभी बाहर से सम्मान के अतिथिगणों का ग्राम पंचायत की ओर से बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ और आप सभी को धन्यवाद प्रेषित करता हूँ कि आपने हमारे निमंत्रण को स्वीकारा और हमारे इस आयोजन में सम्मिलित हुए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सेनानी जो इसी नगर के, जिनने इस देश की आजादी के लिए आंदोलन में खड़े हुए, उनके योगदान से देश आजाद हुआ, आज उनको याद करने का समय है और इस अवसर पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा अपने आप में बहुत अद्भुत, और इसलिए मैं तो पंचायत प्रतिनिधियों को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ इसे अवसर पर ये कार्यक्रम आयोजित किया है। क्या विजय की कला
हेलो दोस्तों, कार्यक्रम का समापन हुआ। स्वास्थ्य स्थापना के दौरान श्रीमान फक्कन सिंह कुलस्ते जो कि अब कार्यक्रम के प्रवर्तन के पास बाकी और साथ में मंडला जिला के विधानसभा विधायक श्री दीप सिंह सैयद जी जो कि साथ में एक गाड़ी भी रवाना होंगी। ये नज़ारा दोस्तों, ये रही उनकी गाड़ी। इसमें श्रीमान फग्गन सिंह कुलस्ते और देव सिंह श्री देव सिंह सैयद जी विधायक मंडला जिला कार्यक्रम के समापन के बाद में ये रवानगी हो रही है उनकी। दोस्तों, इसी प्रकार से कार्यक्रम का समापन हुआ। यदि वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके से और भी वीडियो देखने के लिए जगह जगह में हम लोग जाते हैं और अपने अच्छे से अच्छा कार्यक्रम बताने के लिए यदि वीडियो पसंद आए तो दोस्तों अवश्य लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। सेवा जवाहर, वंदे मातरम, जय भारत। पुलिस के वैन वगैरह हैं और उनके गार्ड वगैरह हैं जो कि गाड़ियों में उनके इस प्रकार कार्यक्रम का समापन हुआ। और ये रही प्रतिमा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, ये स्थापना की 13 अगस्त का दिन शाम को 9-10 के बीच में स्थापना हुई दोस्तों। और ये कार्यक्रम दिखाते हैं दोस्तों, बने रहिए। समापन हो चुका कार्यक्रम ऐसे तो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय बाबा।